आज एग्जाम होई कल फेल होई परसों प्रिपरेशन तेज होई। आज एग्जाम होई कल फेल होई परसों प्रिपरेशन तेज होई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टीक। दोस्तों, यदि आप यूपी आर ओनल एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, शुरू में मैंने एक गाना गाया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम टू सेम ये है दोस्तों कि आज जो है यहाँ पे एग्जाम यदि है तो आप यदि कल फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है, हिम्मत हार के बैठ जाना है, क्योंकि दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। परसों दुगनी तेजी से, दुगनी तैयारी से आपको आगे बढ़ना है ताकि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो सके और आप अपनी लक्ष्य को हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी आर ओनल जो जेई का यहाँ पे 2021 में एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, आपको पता है ये चीज। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें परेशान हैं, इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसमें टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ, और दोस्तों बेस्ट बुक क्या हो सकती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपके लिए यहाँ पे 196 पोस्ट निकल के सामने आया था यूपी आर ओनल में, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वैकेंसी का फॉर्म भी फिलअप किया है, जैसे कि मैंने पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, मात्र 1 सेकंड का समय लेगा, उसके बाद आप जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों यहाँ पे 196 पोस्ट है, तो आपको पता है 196 यहाँ पे पोस्ट रखा गया है, जिसमें 78 पोस्ट रखा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ पे 69 पोस्ट रखा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। कंप्यूटर के लिए टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे निकल के सामने आया है, जबकि 39 पोस्ट यहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट से पोस्ट जो है निकल के आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे जो मेन मेजर जो है लड़के हैं, अधिकतम स्टूडेंट्स हैं, वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात यह आती है कि इसमें इसका एग्जाम कब होगा, इसके बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए थे इसके बारे में जान लिया जाए। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, इसको भी देख सकते हैं जाके, तो उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से जो है मैंने निकाला है डाटा। वहाँ पे मैंने कलेक्ट किया था, जब मैंने 30 जून को फॉर्म फिलअप किया, तो 30 जून को फॉर्म फिलअप करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरीके से शो करा था। 20 लास्ट जो शुरू में है वह सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। इधर वाला जो है वही आपका जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या है, मतलब जितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स उसमें फॉर्म न फिलअप किए हों। ठीक है, तो हम एवरेज एक लेक्चर चल सकते हैं। यहाँ पे 30 जून तक मैं डाटा निकाला हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 जुलाई या 2 जुलाई को भी फॉर्म फिलअप किया गया है। तो एक नियर अबाउट ये हम मान लेते हैं कि 60,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि 59,500 कुछ स्टूडेंट्स उसी दिन आ गए थे। ठीक है, यदि 60,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठेंगे, मान लीजिए एवरेज एक तौर पर 60,000 स्टूडेंट्स यदि इस कंपटीशन में आने वाले हैं, तो 196 से यदि भाग लेते हैं तो एक सीट पे कंपटीशन 306 स्टूडेंट्स की होने वाली है। ठीक है, एक सीट पे 306 स्टूडेंट्स टोटल कंपटीशन की बात कर, मतलब मैं कर रहा हूँ ट्रेड वाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 306 नहीं, इसको यदि आप 250 ही मान के चले, मैंने अमाउंट लेके चला वहाँ पर, तो यदि 250 ही मान के आप चले तो भी कंपटीशन ठीक ठाक है, अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा यूपी आर ओनल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है दोस्तों, इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके ट्रेड से होगा, और यहाँ 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हिंदी, रीजनिंग और जीके से होगा। ठीक है, अब इस 150 क्वेश्चन को आपको कैसे तैयार करना है, इसका बेस्ट बुक क्या हो सकता है, और दोस्तों इस 50 क्वेश्चन नंबर को आपको कैसे तैयार करना है, इसका बेस्ट बुक क्या हो सकता है, यह जानना जरूरी है। यहाँ पे जो 150 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आएगा वह आपके ट्रेड से आएगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल से होगा, या फिर मैकेनिकल से होगा, या फिर जो भी आपका ट्रेड होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एक बुक का नाम, आपको पता भी होगा, आप खरीदे भी होंगे यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जनरल बुक है यूथ कंपटीशन का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें पूरा संग्रहण करके दिया रहता है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी जेई में आया हुआ है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी जेई में आया हुआ है, यूपी आर ओनल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी का इसमें जो है एक जगह पे आपको मिल जाएगा, इन सभी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से तो आपको प्रिपेयर करने के लिए यह बुक बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको यदि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 70% तो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे यदि हम इस 50 नंबर की बात करें, तो इसके लिए आपका हिंदी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जीके पूछा जाएगा। जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, उस इनफ है उसके लिए। ठीक है, लूसेंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा, या प्रीवियस ईयर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। रीजनिंग की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो रीजनिंग के लिए यदि आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर लेते हैं वही इनफ है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। हिंदी के लिए दोस्तों अजीत पब्लिकेशन का एक बुक आता है, उसका आपको स्क्रीन पे शो रहा है,
इसका मैंने वीडियो बना दिया है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर मैंने बताया फ्री में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और वहां से पब्लिकेशन की बुक से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया दोस्तों 0.25 का, ठीक है, मतलब यहाँ पे यदि आप ये क्वेश्चन सही करते हैं, अचार क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पे 0 हो जाने वाला है, ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डेट के बारे में यदि बात किया जाए तो एग्जाम डेट तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम अभी 20 अगस्त से चालू होने वाला है, ठीक है, अभी जितना फोकस है यूपी गवर्नमेंट का यही होगा कि यहाँ पे आपका जो है जो पिछली भर्तियां हैं उनको क्लियर किया जाए, ठीक है। जहां तक यूपी आरओएल की बात है तो निश्चित तौर से यदि आपका एग्जाम देखने को मिलेगा तो अक्टूबर से पहले तो मुश्किल ही है, देखिए क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ही चांस बनता है कि यहाँ पे आपका एग्जाम देखने को मिले, ठीक, तो ये दी जानकारी। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा, यदि कुछ छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।